लगाया है जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां महिला ने आरोप लगाया कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जिला इटावा से राजधानी पहुंची है यह महिला। पीड़िता का आरोप है कि निकाह के बाद धर्म परिवर्तन कराया गया। थाना कोतवाली के भटिया अजमत अली की निवासी महिला का आरोप है कि महिला ने पति पर बेटी के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। बेटी को बचाने की साजिश का भी बेचने की माफ करेगा बेटी को बेचने की साजिश का भी आरोप लगाया और अब न्याय की आस में महिला धर धर भटक रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं। सफी, क्या कुछ है पूरा मामला? पीड़िता ने आरोप लगाया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का। देखिए, एक फिर मामला आया है धर्म परिवर्तन को लेकर। ये इटावा जिला का है, जहां पर एक महिला को जबरदस्ती निकाह कराया गया और अब उसकी बेटी के साथ ही छेड़छाड़ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इटावा जिला का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जो महिला है वो लखनऊ में कमिश्नर के यहाँ गुहार लगाने आई है, उसको इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़िता का साफ तौर से आरोप है कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। उसके बाद पीड़िता ने आरोप ये भी लगाया है कि जो रफीद अहमद पप्पू जिसवाले है, तो जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, अब उसको पीटता है, उसकी बेटी को भी छेड़छाड़ करता है, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। लखनऊ वाले पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रही है, क्योंकि साफ तौर से कहना है कि इटावा में मेरी कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए उसको लखनऊ आना पड़ा। जी सफी, ये भी जानकारी हमारे पास कि बेटी को बेचने का आरोप लगा और उसके साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मामला सामने आया है, बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है महिला लगा रही है और इंसाफ नहीं मिल रहा उसको इटावा में, इसलिए वो लखनऊ दौड़ कर आई है। पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रही है कि मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं लेकिन लगातार रुक नहीं रहे, इसमें गिरफ्तारी भी हो रही है। लेकिन फिर एक मामला धर्म परिवर्तन को लेकर आया है, नजमा नाम बताया जा रहा है और इससे पहले उसका नाम सुधा यादव था, तो इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है और इटावा से लखनऊ तक फिर ये मामला चल कर आया है। कहीं ना कहीं संगीन आरोप लगाया जा रहा है। सफी, मामला इटावा का है, अब ये लखनऊ पहुंचा है मामला, प्रशासन ने अब तक क्या कुछ इस पर कार्रवाई करी है? देखिए, साफ तौर से प्रशासन का कहना है कि जो उसकी तहरीर थी वो ले ली गई है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये जांच का विषय है। इससे पहले भी उनका साफ तौर से कहना है कि इटावा में जांच चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से महिला आरोप लगा रही है कि उसकी बेटी से भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी बेटी को मारा पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जांच तो की जा रही है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। जी सफी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक महिला ने धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है और न्याय की आस में महिला दर दर भटक रही है। मामला इटावा का है और अब महिला न्याय के लिए लखनऊ पहुंच गई है। खबर